ये मसूद भाई ये वर्किंग चेक करें, आप मार्केट घूमते हैं, आपने सब जगह देखा है, ये इस तरह का क्रिमिनो ऑफलाइन मुझे दिखा है। मुझे मजा ही नहीं आया, लेकिन मैंने उसी दौरान पेल फैलो ले लिए थे, पेल फैलो कुछ पीस ले लिए थे, तो उन्होंने मुझे जो है सर्वाइविंग मेरा शौक जो उनकी कलरिंग अस्सलाम वालेकुम रजा भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मसूद भाई? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए खैरियत से? क्या दिखा रहे हैं आज व्यूअर्स को? दिखा देते हैं थोड़ी बहुत जो अब नई हैचिंग वगैरह या ब्रीड थोड़ी बहुत बाहर आई हुई है जो सेकंड क्लच की, तो वो आपको दिखाते हैं, चलें आए चलें सर। अच्छा रजा भाई, ब्रीड तो हमने देखी है, व्यूअर्स को भी दिखाएंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड आ रही है, तो ये ज़रा पूछना था आपसे कितने अर्से से काम कर रहे हैं और कौन से बर्ड जो है वो आपको करीब या आपके दिल में लगा हो कि ये बर्ड पे काम करने में मुझे आपको मज़ा आया हो? मसूद भाई देखें, नॉर्मली आपको पता है कि हर बंदा 100 अगर बंदा अगर कोई किसी ने परचेजिंग करी है 100 बंदों ने, तो एक या 5 से 10 का रेशो मेरा ये कहता है कि उसको जो अच्छा बंदा मिला होगा, बाकी वाड़ा ही गया जैसे हम बड़े थे शुरू में। ऑफलाइन के अंदर वही ग्रीन ऑफलाइन आड़ा टेढ़ा बर्ड लगा के बैठ गए, ना हमें उसकी फ्यूचर वैल्यू पता ना कुछ, बस ये देखा कि बस ये भागो जी जनाब। असल में हम उलियों पे मरते थे, कोई हदीसें बयान कर रहा है, कोई जनाब जी कुरान पढ़ के सामने बता रहा है, तो हम इन चीज़ों पे मरते थे कि नहीं यार ये ऐसे लोग जो हैं वो फ्रॉड नहीं कर, लेकिन फ्रॉड ये ऐसी अक्सरियत ऐसी होती है आपको पता। हाँ हाँ, आप किसी बाहर के मुल्क के एजेंट के पास चले हैं, वो आपको सीधा मस्जिद में बुला बुला के सारी कहानी, वहीं पैसे रिसीव करेगा, देखो अल्लाह के घर में बैठा हूँ मैं, तुम्हारे साथ ये नहीं करूँगा। तो राज चले, ये तो बातें होती रही, मेन चीज़ ये कि तकरीबन 4 साल हो चुके हैं मुझे इस हॉबी के अंदर। अच्छा हाँ, और वही अल्बाइनो क्रिमिनो, क्रिमिनो तो नहीं लगाया था, क्रिमिनो तो मेरे अपने घर की प्रोड्यूस है, तो वो अल्बाइनो स्प्लिट इनो वगैरह और पार ब्लू वगैरह लिए थे ऑफलाइन वगैरह, ये तो बाकी वो तो मेरे पास किसी काम के नहीं रहे ना, ये नहीं थोड़े बहुत सेल करे मैंने, लेकिन मुझे मज़ा ही नहीं आया। लेकिन मैंने उसी दौरान पेल फैलो ले लिए थे, पेल फैलो कुछ पीस ले लिए थे, तो उन्होंने मुझे जो है सर्वाइविंग मेरा शौक जो उनकी कलरिंग आती थी, जो मैंने उनसे जो है वर्किंग करी है, उनका मज़ा ही कुछ हो रहा है। मतलब पेल फैलो में आपको ब्रीड कराना और बर्ड प्रोड्यूस करने में मज़ा आया। आप आज शायद आपके कैमरे ने इस चीज़ को कैप्चर करा है या नहीं करा, ये देखें, ये चारों बच्चे हैं, ये देखें, ये दो माँ बाप हैं और बाकी ये 4 पेल फैलो जो हैं, दो सामने बैठे हुए, एक इनका मेल है और 2-4 बच्चे मतलब लगाए विजुअल के अंदर इसके जो हैं, ठीक है, तो ये आए हुए हैं, तो ये ब्लूटूथ से निकले हुए क्योंकि बच्चे को एडजस्ट करे हुए, इसके अपने भी बच्चे हैं ग्रीन वाले, दोनों इसके अपने, और 2 जो हैं वो ब्लूटूथ से आए हुए, पार ब्लू हैं वो। अच्छा। तेल फैलो देखे, माशाल्लाह साइज़ वाइज चेक करें, माँ बाप के बराबर ही इनका साइज़ हुआ हुआ, और अभी ये अनसेल्फ है, अभी 10 दिन इनको तकरीबन लगेंगे सेल्फ होने के अंदर ना, तो आपने क्वालिटी चेक करी, कलरिंग उनकी चेक करी, उनके फ्लाइंग फैदर इनके आप देखें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, क्योंकि मेरी ये नहीं कि सेल हो ना हो, तो एक अपनी एक कहानी होती है, सेल मेरी अपनी तबीयत खुश होनी चाहिए कि बर्ड को देख के आपको खुद को खुशी महसूस हो, जब आप इस बाहर के स्टैंडर्ड के साथ आपका बर्ड हल्का हल्का भी मैच कर रहा होता है तो आपको खुशी होती है। अच्छा दादा भाई, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर वही ये वो वाली काली आँख नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अच्छा। आप सोच रहे होंगे कि रजा भाई अभी काली आँख को आड़ा तेड़ा बोल देते तो आप काली आँख, यहाँ ये काली आँख, इसके अंदर जो काली आँख में जो घुसेड़ दिया गया है ना, घुसेड़ना बोलते हैं। अच्छा। हाँ मतलब डाल दें या घुसेड़ दें, या ये पेल फैलो के स्प्लिट वगैरह। अच्छा। तो हाँ मेरे पास अक्सरियत इसी तरह की, इसमें भी इनो की गेम बोल, हाँ इनो के बगैर मेरा गेम नहीं चल रहा, ये सारे आप एक से बढ़कर एक, मेरे अपने हिसाब से एक से बढ़कर एक, मेरा एक बर्ड भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा एक भी बर्ड ढीला जा रहा है। ठीक। हाँ साइज़ में ढीला होगा मतलब फ्यूचर में पूरा होगा, साइज़ में 19-20 हो जाता है कभी कभी। अच्छा दादा भाई, कितने बर्ड्स लगाए हैं आपने पेड़ों के हिसाब से अपने शेड में? मसूद भाई कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आपको देख लें खुद ही, आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारी अपनी भी नज़र ना लग जाए ना। पेल फैलो ज़्यादातर, सिर्फ पेल फैलो ये ज़्यादा, बाकी तो ये चंदी पेयर है, ये अल्बाइनो के और क्रिमिनो के या
पार ब्लू स्प्लिटिनो वगैरह। अगर क्रिमिनो में अगर मेरे पास अगर कोई मैं गेम खेल रहा हूँ तो वो ऑफलाइन के अंदर जा रहा है ना। अच्छा। तो आप ऐसे कैमरा हल्का सा घुमा लें, इधर ले जाएँ, ये आगे ये ले आए ना इधर इस तरफ, ये ऑफलाइन के, ये क्रिमिनो ऑफलाइन है, क्रिमिनो ऑफलाइन के बच्चे हैं जी। दादा भाई क्या दिखा रहे हैं ये? ये मसूद भाई, ये वर्किंग चेक करें। आप मार्केट घूमते हैं, आपने सब जगह देखा है, ये इस तरह का क्रिमिनो ऑफलाइन मुझे दिखाएं। सही। आप कहीं भी, मैंने अभी तक इस तरह के क्रिमिनो की पोस्ट नहीं देखी। ये देखें टेल वेल, इसकी चेक करें, वो हल्का सा ना। बाकी क्रिमिनो जो है, जिस तरह का क्रिमिनो होता है उस तरह का क्रिमिनो बाकी किसी को शौक नहीं है रखने का। लोग क्रिमिनो बुरा बोलते हैं, लेकिन इस तरह का क्रिमिनो ऑफलाइन रखने का हर बंदे को शौक होगा। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस तरह का हर बंदा क्रिमिनो ऑफलाइन रखना चाहता है। अब ये बताएं कि ये बाहर के मुल्क के स्टैंडर्ड के ऊपर मैंने ये वर्किंग नहीं करी, आप खुद बताएं। काफ़ी डार्क रोड आया माशाल्लाह। देख लें इसी, देखेंगे क्रिमिनो ऑफलाइन की, ये फीमेल होगी, ऐसा लग रहा है लोटिनो ऑफलाइन है। ऐसा ही है। ये जब वो ब्लू जीन उसमें घुस जाती है तो वो भी थोड़ा लाइट हो जाता है, लोटिनो ऑफलाइन ऐसा ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये है क्रिमिनो ऑफलाइन, क्रिमिनो ऑफलाइन। अच्छा दादा भाई यहाँ पे क्या सेल्फ बच्चे हैं या क्या है ये? नहीं, अभी तो मसूद भाई ये अच्छा माँ बाप के साथ बच्चे हैं क्या? अंडे मतलब इसके अंदर फेरे हुए थे, ये अल्बाइनो के हैं। हाँ हाँ, क्रिमिनो वगैरह के, तो इनके जो अल्बाइनो ये मतलब सही नहीं पाल रहे थे। अच्छा अच्छा, तो इनको दो मैंने ब्लैक एंड बर्ड दिए, थोड़े बड़े करके दिए थे इनको ना, ज़रा से बड़े, तो इसके बाद इन्होंने पालना शुरू कर दिए। ये भी ये वो पेल फैलो के स्प्लिट है, पार ब्लू ऑफलाइन है ये, थोड़ी सी डर्टी मास्किंग के अंदर है, खैर पेल फैलो में चल जाता है ये। साइज वाइज में अच्छे हैं ये, क्रिमिनो है। अच्छा अच्छा दादा भाई ये एवरी को आप खुद ही हैंडल करते हैं सारी या कोई बंदा रखा हुआ आपने? बंदा तो कभी नेड़े भी नहीं लाने देता मैं। अच्छा, बंदा की करेगा इतने आके? अच्छा, इतने कोई फ्रॉड लग गया है, इतने फिशरियाँ थोड़ी लगी हैं, जोड़ा बंदा आके इतने आके कर लेगा, ऐसे आप करी बेल फैलो सारा। अच्छा, खुद मैं तो अकेले ही मैनेज करता हूँ। सही, तो अपना मज़ा है ना, असल में आपको मज़े भी तो लेने होते हैं ना, बर्ड को देख देख के मज़े, वो मज़े चाहिए होते हैं अगर आप अपनी मर्ज़ी की वर्किंग कर रहे हो और उसके अंदर आपको मज़ा आ रहा हो। सही, तो वो यही है, यही होता है, आप खुद इसको मैनेज करते हैं। मैं खुद ही मैनेज करता हूँ, चाहे मुझे कहीं भी जाना हो। आपको पता है जब मैं मार्केट आ रहा हूँ तो मैं सुबह 5 बजे उठ के पूरे इनको पूरा प्रॉपर इनको सारा दाना पानी और फूड बर्तन धो के सब लगा के फिर जाता हूँ मार्केट सुकून से। ठीक आए मसूद भाई, एक जो है आपको एक तोहफा दिखाऊं मैं। हाँ। और आप खुद बोलोगे कि रजा भाई ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, क्यों इतनी ज्यादती कर रहे हैं? अच्छा हाँ, ये अंदर देखिएगा। हाँ। अगर आपको नजर आ सके, निकल गई बाहर, क्या दिखा ये रहे? एक अंडा आया हुआ है मेरे ख्याल से इसका। अच्छा, मगर ये बेचारी इसका रहेगा नहीं। क्यों? असल में ये आप बर्ड दिखाएं, बर्ड की क्वालिटी चेक करें ऑफलाइन की। हाँ, मेल जो है वो फिशरी के अंदर स्प्लिट ऑफलाइन में, फीमेल जो है वो यूविंग ऑफलाइन में। अच्छा। मगर ये मेरा पोस्टिंग पेयर है। अच्छा। हमेशा के लिए पोस्टिंग करेगा ये। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा पोस्टर है, ऑफलाइन का यही हाल करता हूँ मैं। अच्छा। मेरी नज़र में यही हाल है ऑफलाइन। हाँ, आपको कोई वर्किंग के लिए बर्ड चाहिए वो मैंने अलग निकाले होते हैं, मेरे पास बर्ड वो अलग होते हैं। तो जो अच्छा पाल रहा होता है ऑफलाइन, अगले साल मेरे पास इंशाल्लाह ताला ज़्यादातर ऑफलाइन ही मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ, ऑफलाइन के तौर पर, पोस्टिंग के तौर पर मिलेगा, बाकी इनका कोई काम नहीं रह गया। क्योंकि असल में मैं ये भी नहीं बोलता कि बर्ड ब्रेड है, कि मैं शौकीन हूँ, मैं किसी बर्ड को बुरा नहीं बोलता। लेकिन मैं अपने शौक की बात कर रहा हूँ, मैं रेड आई का शौकीन हूँ मेरा ये, और मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैं खुद कर रहा हूँ। अब चाहे कोई मुझे फॉलो करे या ना करे, वो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो मैं इस वजह से फोस्टिंग के लिए भी मैं इसको वाड़ा गया है, बर्ड इतना बुरा नहीं है, मतलब इसको बाड़ दिया गया, क्योंकि अब उसका चूरन जो है वो इकवा और डिकवा और शिकवा और टिकवा जो मुझे पसंद ही नहीं है, फालतू फजूल मंजनों में पड़ी हुई आवाम भी पागल है। पिछली सेटिंग उन्होंने कर नहीं पाई, आगे बढ़ने के लिए खुद घुसे हुए होते हैं। पाकिस्तानी जो हमारी कौम है इंतहाई लालची और जल्दबाज कौम है, रिजल्ट फौरन। क्योंकि आपको पता रेड आई की, या तो आपको अच्छा बंदा कोई लाइन दे दे अपनी, तो आप पहले पैसे नहीं देखो उसके बाद, उसका शुक्रिया अदा करो कि यार मेरे पास इस साल चल जाएगी, अगले साल चल जाएगी। हमारे क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है वो मेन मसला ये कि कहाँ से सस्ता मिल रहा है। उसके बर्ड में चेचक आई हुई है, कुछ भी आया हुआ है, काना है, टेढ़ा है, लंगड़ा, लूला लटक रहा है, शिवलिंग है, सब ले आओ बस पकड़ के, सस्ता मिल रहा है। 2000 अल्बाइनो जैसे अब 12,000 रुपये 13,000
15,000 का भी आपको अच्छा ब्रीडर जो 15,000 का भी एक पीस देगा, लेकिन उसके साथ वो आपको पूरी पेडिग्री बताएगा कौन सा बर्ड है, किस तरह निकला हुआ है, दो तीन आपको स्पीएं दे देगा उसको। लेकिन जो मार्केट का बर्ड है, खासकर मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर क्या उसका हाल बुरा है, मार्केट में ऐसे ही मिलता है। सही। अच्छा राजा भाई, आखिर में वीडियो लंबी हो रही है, तो व्यूअर्स को क्या कहेंगे, कुछ कहना चाहते हैं व्यूअर्स के साथ, कोई बात शेयर करना चाहें? शेयर यही करना चाहता हूँ जो पहले भी शेयर कर चुके हैं, लास्ट में मेरा वही मैसेज है कि लगे रहो, लाल आँख पकड़े रहो। सही। लाल आँख पकड़ो, और कोई जितने का बर्ड दे रहा है वो आपका अपना माइंड सेट है, आप लें या ना लें, लेकिन मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाल आँख लेंगे बच जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, हॉबी बरकरार रहेगी, आप भी बरकरार रहेंगे, कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे, शौक भी बढ़ेगा, आगे मजीद आप जो है आगे से आगे निकलते चले। काली आँख का ये बुरा नहीं होता, काली आँख असल में ब्रीड ज़्यादा करती है और उसका जो है रेशो एकदम खेप आ जाती है, 10-20 केयर जिसने लगाए होते हैं उसकी खेप ज़्यादा है, लेकिन उसी तरह खेप इसकी भी ज़्यादा रेड आई थी, जिससे मैंने आपको यही बात करी है कि जिससे आज वीडियो, क्योंकि आप लास्ट एक दो चीज़ें दिखाता हूँ, ये देखें, ये देख लें साथ साथ दो तीन चीज़, ये देखें रेड आई पड़े हैं सारे, वो ग्रीन है वो भी स्प्लिट में, ठीक बेल फैलो नीचे आ जाए, ये एडजस्ट नहीं हुए हुए तो भी ड्रामा कोई नहीं मेरे पास होता। ये देख लें पेल फैलो, ये पार्विलो ऑफलाइन पेल फैलो, वॉलेट ऑफलाइन पेल फैलो, ये सारा ऑफलाइन के अंदर वर्किंग चल रही, फिर इधर आ जाएँ, साथ ही आ जाएँ, साथ ही आ जाएँ, ये देख लें, ठीक है, ये भी सारा पेल फैलो के बर्ड है, स्प्लिट पेल फैलो, मैं आपको दिखाता जाऊंगा आप थकते ही जाओगे, क्यों लाइन मैंने बना ली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है, मालिक का एहसान है, तो मैंने लाइन बना ली है। अब अगर लाइन अगर आपको कोई बनी हुई कोई दे दे अच्छी लाइन का बर्ड, तो आपने कोई चीज़ नहीं देखनी है, आपने ले लेना, 10,000 का मुँह नहीं देखना होता है, लेना होता है, क्योंकि अच्छी लाइन का बर्ड, ज़्यादा सर्वाइविंग का बर्ड जो है वो आपको फ़ायदा देगा आगे, बेकार बर्ड लेंगे फिर वो लाल आँख में भी बड़ा कर करके आप बैठ जाएंगे। माइंड से चलिएगा, ठंडा दिमाग से चलें, सोच समझ के चलें, इंशाल्लाह ताला होगी बहुत ज़बरदस्त है, और कोई बर्ड नहीं, मतलब बर्ड को मैं बुरा नहीं बोलता, मैं बंदों को बुरा बोलता हूँ बेसिकली, जिन्होंने भाड़ा है आपको ले आके इम्पोर्टेड बर्ड सेल करा, वापस इम्पोर्टेड रिटर्न में नहीं लिया उन्होंने लोगों से, जब इम्पोर्टेड बर्ड की तरह सस्ता बर्ड हुआ, आप देखें जो हाल करा है इन्होंने ऑफलाइन के साथ, तो ये मुझे ये बताएं ना, वीडियो थोड़ी सी लंबी क्योंकि मैसेज चले है प्रॉपर ना, मैं चाह रहा हूँ मेरे जो फॉलोअर हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं उनके तक मैसेज चले है, जो नहीं भी चाहने वाले गालियाँ देने वाले उनके तक भी अच्छा मैसेज चले है। वो वजह ये है कि अल्बाइनो की कोई खास ब्रीड नहीं आ रही लोगों के पास, बाढ़ने की कोशिश इन्होंने बड़ी करी है, अल्बाइनो अगले साल पिटी आएगा, आप ये ले लो वो ले लो, फैसिलिटी रिपोर्टों वाले चाचा जी ने ना बाढ़ने की बड़ी बार कोशिश करी है, अल्बाइनो में कुछ नहीं है, चाचा जी बड़ा कुछ आंदे रहे ने कि ए जनाब जेड़ा लावेगा उन्हें तो हंजी ए हूँ अगले साल इधर रहना कोई नहीं, क्रिमिनल ला लो तो ए ला लो वो ला लो, वो चाचा जी आप बड़े पे ने हैं, आप बड़े पे ने तो हूँ आंदे ने कि इन्हें तो नहीं तो उन्हें तो ले लो उन्हें तो नहीं, उन्हें को अपनी ब्रीड नहीं आँदी होनी, वो भी लोगों को चुक चुक के बेचते पे ने ना, तो तुम अपना थोड़े को दिमाग अल्लाह ने दिता, अल्लाह ने दिता ही दिमाग इसे वास्ते कि उन्होंने इस्तेमाल करो, तो मेरी नज़र के लाल अंक लाओ सही है, बाकी थोड़ी अपनी मर्जी है, तो अच्छा मेरे फॉलोअर को मेरी दिल से शुक्रिया, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को मसूद भाई को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर नेगेटिव कमेंट कोई मसला नहीं आप कमेंट ज़रूर करें, कोई मेरी गलती है वो भी बताएं, और कोई चीज़ पूछनी भी हो तो वो भी फ़ोन कर लिया करें, कोई मसला नहीं यार, ठीक हाजिर है हम ना, मैसेज कर दिया करें व्हाट्सएप के ऊपर, मैं जब भी सुनता हूँ आपको मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, चाहे मुझे एक दिन लेट ज़रूर मैसेज का आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ओके जी अल्लाह हाफिज़।